नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 48वीं बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में होंगे रवाना। कल अपने संबोधन में दुनिया के साथ भारत के संबंधों की रूपरेखा करेंगे साझा। रवाना होने से पहले संदेश में कहा, भारत की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने में लाभदायक साबित होंगी आपसी बैठकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की सारी नीतियों के केंद्र में है रोजगार को बढ़ावा देने की व्यवस्था। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, पिछले 3 साल में विकास की वजह से दुनिया का भारत के प्रति नजरिए में आया बड़ा बदलाव, रोजगार के बढ़े अवसर। आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य घोषित, चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई आज। अफगानिस्तान के काबुल में 17 घंटे बाद बंधक संकट खत्म, सुरक्षा बलों का सभी 6 आतंकियों को मार गिराने का दावा। 5 सितारा होटल पर आतंकी हमले में 14 विदेशियों समेत 40 लोगों की मौत, भारत समेत दुनिया भर में हमले की कड़ी निंदा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय खिलाड़ियों के अपने अपने जोड़ीदारों के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज। बोपन्ना एडवर्ड की जोड़ी का पेविक मराक की जोड़ी से मैच, दिविज राजीव की जोड़ी की मेलो कुबेक की जोड़ी से भिड़ंत। सिंगल्स मुकाबलों में नडाल और वोजनिए की क्वार्टर फाइनल में। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में स्विट्जरलैंड के दावोस रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बैठक में अब तक के सबसे बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विदेश राज्य मंत्री एमजी अकबर और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक का मकसद विश्व के आर्थिक परिदृश्य में सुधार लाना है। दावोस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि वो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत के अच्छे दोस्त और संस्थापक प्रोफेसर क्लाउस स्क्वाब के निमंत्रण पर अपनी पहली यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और वैश्विक प्रशासन के लिए मौजूदा और उभरती चुनौतियों ने दुनिया भर के नेताओं, सरकारों, नीति निर्माताओं, कंपनियों और नागरिक समाजों पर गंभीर रूप से ध्यान दिया है। और ये ताज़ा तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल के सालों में बाहरी दुनिया के साथ भारत के संपर्क वास्तव में और प्रभावी रूप से बहुआयामी हुए हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि आपसी बैठकें इन देशों के साथ भारत की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने में लाभदायक होंगी और इसी नजरिए के साथ, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के दावोस रवाना होते हुए। अपने विमान का रुख किया प्रधानमंत्री ने और अब वो दावोस रवाना हो रहे हैं। और सम्मेलन के दौरान पूरे विश्व भर के नेता दुनिया भर में चल रहे चर्चित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस साल बैठक का विषय विभाजित दुनिया में साझा भविष्य का सृजन है। इस 48वीं बैठक का उद्देश्य हाल की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करना है। इसके अलावा दावोस सम्मेलन में कला, सांस्कृतिक, विशेष प्रदर्शनी और संगीत में प्रस्तुतियां भी होंगी। इस साल दुनिया भर से करीब 3,000 वैश्विक नेता, राष्ट्र प्रमुख,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कलाकार भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का समापन 26 जनवरी को होगा। स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष नया भारत रूपांतरित भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे। कि दुनिया भारत को जानना चाहता है, डायरेक्टली जानना चाहता है, समझना चाहता है। मैं इसे एक अवसर मानता हूं कि हमारे 125 करोड़ देशवासियों ने जब एक प्रॉपर इकोसिस्टम मिला तो खिलने लग गए। नीतियां साफ सुथरी मिली, वो इनिशिएटिव लेने लगे, रिस्क लेने लगे, आगे बढ़ने लगे। 3.5 साल के भीतर भीतर भारत की जो ये पूरा टर्न अराउंड है, फ्रेजाइल 5 से लेकर के ब्राइट स्पॉट तक का, तो ये भारत के 125 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का परिणाम है। और मेरा काम है दुनिया में जाकर के उनके गीत गाना, मेरा काम है मेरे 125 करोड़ देशवासियों की पराक्रम की गाथा दुनिया को बताना, मेरा काम है विश्व के सामने जाकर के हम प्रगति की कई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं ये दुनिया को बताना। और मैं इस अवसर का भरपूर फायदा उठाऊंगा कि विश्व भारत का सही रूप देखें, भारत के सामर्थ्य को समझे और भारत के अवसरों को वो भी अपने हित के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत एक आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। और अखिलेश सुमन अपने संवाददाता से इस समय हम बात करेंगे। अखिलेश, कई मायनों में खास रहने वाला है इस बार दावोस सम्मेलन। 20 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां शिरकत कर रहे हैं और जैसी बातें उन्होंने कही हैं कि इस मौके का वो भरपूर फायदा उठाएंगे, कहीं ना कहीं दबदबा दिखेगा भारत का। हाँ, निश्चित तौर पर प्रीति, भारत की जो कोशिश है वो ये कोशिश है कि भारत में किस तरह से आर्थिक सुधार हुए हैं और भारत की कर प्रणाली किस तरीके से बदली गई है, ताकि जो दुनिया भर के जो निवेश करता है वो भारत में आ सकते हैं और यहाँ जो एक ऐसी संरचना बनी है जिसके माध्यम से वो निवेश करके अपना भी फायदा उठा सकते हैं और भारत के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो यही मूल मंत्र है जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावोस जा रहे हैं। करीब 70 राष्ट्राध्यक्ष वहां होंगे और हजारों की संख्या में वहाँ CEO रहेंगे डिफरेंट कंपनीज के। तो प्रधानमंत्री आज करीब शाम में 6 बजे वहाँ दावोस पहुंचने वाले हैं और उसके बाद करीब भारत के समय से कहें तो 10 बजे के करीब उनको ये स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी और फिर उसके बाद वो वेलकम इंडिया रिसेप्शन करने वाले हैं, जिसमें कि उन्होंने CEO को बुलाया है, कुछ अन्य जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया है और फिर 10:30 बजे वहाँ के टाइम के, 8:30 बजे वहाँ के टाइम से वहाँ दुनिया भर के CEO को उन्होंने बुलाया है रात में खाने पर, ताकि वे उन लोगों के साथ व्यक्तिगत तौर पे अपनी बातें साझा कर सके। तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 1997 के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है दावोस में, और निश्चित तौर पे यह एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर के निवेशक, जैसा कि आप जानती हैं कि रेलवे में लाखों करोड़ों के निवेश की संभावना है, हमारे गैस पेट्रोलियम क्षेत्र में है, आधारभूत संरचनाओं में है, तो इसीलिए हमारे कई मंत्री वहां जा रहे हैं और अलग अलग भी वहां के निवेशकर्ताओं से बात करके उन्हें भारत में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। और यही मूल लक्ष्य होता है, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कोई भी जाता है तो वो बताता है अपने देश के बारे में और यह भी बताता है कि दुनिया से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है सभी देश की, उसमें किस तरह से सुधार लाए जाए ताकि निवेश हो और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी आए और जो एक तरीके से कहें कि पूरे डीलिंग में, जो पूरी दुनिया भर के जो आर्थिक डीलिंग है उस डीलिंग में भी एक ऐसी स्थिति बने ताकि उसमें कर चुराने की, उसमें काला धन जमा होने की, इसकी कोई गुंजाइश न बने। तो प्रधानमंत्री इसी तरह का संदेश लेकर वहां जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना हो गए हैं और दावोस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वो कल संबोधित करेंगे। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से साफ कर दिया है, कहा जा सकता है भले ही यात्रा बहुत छोटी है लेकिन बेहद केंद्रित ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है और साफ तौर पर दुनिया को जो संदेश दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा कि इंडिया मीन्स बिजनेस।
अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से बातचीत में अर्थव्यवस्था, विदेश नीति समेत सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि साफ और स्पष्ट नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था फल फूल रही है और उद्यमी निवेश का जोखिम उठाने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी नीतियों के केंद्र में रोजगार को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफ में 18 से 25 साल के नए 70 लाख लोग जुड़े हैं। टेक्सटाइल और चमड़े के उद्योग में लोगों को रोजगार देने की नीति भी बनाई गई है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है जी। अभी आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने जो सर्वे किया है हमारे देश में, ये तो सब लोग मानते हैं कि जॉब की दुनिया में, जॉब मार्केट में फॉर्मल 10% है, इनफॉर्मल 90% है जी। ये तो माना हुआ है। मैं सिर्फ फॉर्मल के आंकड़े आपको देता हूं, जो हमारे आंकड़े नहीं है, इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने निकाले हुए आंकड़े हैं। ईपीएफ ये परफेक्ट पैरामीटर होता है जिसमें जिसको रोजगार मिलता है उसका नाम होता है, उसका आधार नंबर होता है, उसके खाते में पैसे जमा होते हैं, वो ईपीएफ होता है। एक साल में 18 से 25 साल के नए नौजवानों का ईपीएफ 17 लाख जुड़ा है, 70 लाख 7 मिलियन। क्या ये रोजगार नहीं है क्या? सरकार की नीतियां देखिए, हमारी सारी नीतियों के केंद्र में रोजगार को बढ़ावा देने की व्यवस्था है जी। हमने टेक्सटाइल में जो पॉलिसी बनाई है, हमने चमड़े के उद्योग में जो पॉलिसी बनाई है, वो मैक्सिमम लोगों को रोजगार देने के लिए बनाई है। तो इसलिए भारत जैसे देश में मुद्रा योजना अपने आप में एक ऐसे रोजगार का अवसर दे रहा है जो प्रतिष्ठा भी देता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी देता है, और जो आज रोजगार चाहता है वो रोजगार देने वाला बनता है। 10 करोड़ ऋण की स्वीकृति, 10 करोड़, छोटा सा आंकड़ा नहीं है, 1 मिलियन, और 4 लाख करोड़ रुपया उनको मिला है मुद्रा योजना से। और आपको जानकर के खुशी होगी, देश के हर नौजवान को प्रेरणा मिलेगी, इन 10 करोड़ ऋण स्वीकृति में 3 करोड़ लोग वो हैं जिनको पहली बार बैंक से पैसा मिला है। ये 3 करोड़ लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में 50,000, किसी के हाथ में लाख, कोई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आए हैं, किसी ने किसी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था खड़ी है, और वो अकेला कमाता है ऐसा नहीं, उसने किसी एक को और रोजगार दिया है। ये रोजगार नहीं है तो क्या है? इसलिए कृपा करके जो निराशा में डूबे हुए हैं वो अपनी निराशा से बाहर निकलने के लिए प्रयास करें तो हम समझते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं इसलिए औरों से निराश कर दें, ऐसी भाषा प्रयोग न करें। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जीएसटी में संशोधन के सुझाव पर अमल के लिए तैयार है ताकि इसे ज्यादा कारगर प्रणाली बनाया जा सके और इसकी खामियां दूर हों। अंदर हम प्यार से जीएसटी के निर्णय कर रहे हैं, बाहर आप दूसरा कह रहे हो। तो ये देश की जनता इसको भली भांति जानती है। आज जीएसटी के जितने निर्णय हैं 33 लोगों ने किए हैं, उन 33 में हम एक हैं, बाकी 32 है, लेकिन ठिकरा हमारे सर पर फोड़ने का खेल चल रहा है। तो आज नहीं तो कल देश समझेगा। मैं डे वन से कह रहा हूं, देश की जनता में को इस नई व्यवस्था से एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। जहां जहां हमारी कमियां हैं उसको सुधारते चले जाना चाहिए, और एक अच्छा व्यवस्था विकसित करने के लिए हमने सामूहिक प्रयास करना चाहिए। 6 महीना 8 महीना साल 2 साल सब लोग मिलकर के एक ऐसी चीज दें देश को जो पूरे लंबे अरसे तक काम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत नारे का मतलब भी समझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका मतलब कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं, बल्कि ये नारा उन सभी दलों पर लागू होता है
जो कांग्रेसी मानसिकता के शिकार हो गए हैं। आजादी के बाद कांग्रेस के कल्चर का जो रूप आया है, जो कम अधिक मात्रा में हर राजनीतिक दल को भाने लगा है, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारी शिष्टाचार, धोखा देना, सत्ता को बिल्कुल दबोच के रखना, ये मैं इसको एक ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति के कल्चर के हिस्से बन गए, राजनीतिक कल्चर के, जिसका मुख्य धारा कांग्रेस रही है। और इसलिए जब मैं कांग्रेस मुक्त कहता हूँ तो ये चुनावी उठापटक से जुड़ा हुआ नहीं है जी। मैं तो चाहूंगा स्वयं कांग्रेस पार्टी को भी अपने आप को कांग्रेस मुक्त करना पड़ेगा। वो कौन सा? जो कांग्रेस कहती है सोच है और जो कल्चर है। प्रधानमंत्री ने फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाने की बात दोहराई और चुनाव से पहले की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाओं को गैर जिम्मेदारीपूर्ण करार दिया। दूसरा, हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा है कि पॉपुलिस्ट इकोनॉमी, ये कांग्रेस मुक्त में जो कह रहा हूं वो उस कल्चर का हिस्सा है, लोकरंजक अर्थनीति। इसलिए अब सरकारों को भी याद, चुनाव आया है, ये बांटो वो बांटो ये बांटो वो बांटो, इसकी कंपटीशन चल रही है। वो कहता है मैं इतना दूंगा तो वो कहता है मैं इतना दूंगा, और जो विपक्ष में होता है उसको तो बड़ी सुविधा होती है, वो सारी खजाना। मैं तो हैरान था, अभी गुजरात में चुनाव हुआ तो हमारे लोगों ने कुछ हिसाब करके दिया कि गुजरात का टोटल बजट से 4 गुना चीजें हम मुफ्त में देंगे, ऐसी घोषणा कर दी गई। अब ऐसी गैर जिम्मेवार बातें चलती हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होंगे तो मैं समझता हूं कि देश का खर्चा बच जाएगा, समय बच जाएगा। कुछ और अहम खबरें। आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य करार दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने लाभ के पद के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की याचिका को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। कानून मंत्रालय ने रविवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने इसे पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक दबाव में चुनाव आयोग द्वारा लिया गया फैसला बताया है। पार्टी ने इस मामले में अब अदालत का रुख करने की बात कही है। मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए ये काफी खतरनाक एक ट्रेंड देश के अंदर उभर रहा है और ये पूरे संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। जहाँ तक राष्ट्रपति के निर्णय का प्रश्न है, अभी हमारे पास अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट से लेकर के जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक अदालत के दरवाजे खटखटाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, जो लाभ का पद है। इधर बीजेपी ने राष्ट्रपति के फैसले का स्वागत करते हुए इसे उचित कदम बताया है। राष्ट्रपति जी ने केवल मोहर लगाई है, नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि वो फैसला इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है और ये फैसला कानून पर आधारित है। जो लोग ना कानून में, ना संविधान में, ना लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो उनको लगेगा कि ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन फैसला सही है क्योंकि देश का कानून और खास तौर पे लाभ के पदों को लेकर जो देश में कानून है वो इसी विषय पर बना हुआ है। कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जून 2016 से यह मैटर इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग था। इलेक्शन कमीशन ने अब जाकर के निर्णय लिया है और हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे। 11 हियरिंग्स बार बार इलेक्शन कमीशन ने किया और उसके बाद में इस निर्णय पे पहुंचे हैं। और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने इनकी मदद करी है एक तरीके से कि राज्यसभा के इलेक्शन के फौरन बाद 20 विधायकों को निलंबित किया है। यही अगर वो 22 दिसंबर से पहले अगर निलंबित कर देते तो आज आम आदमी पार्टी टूट जाती। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सिफारिश की थी और इस लाभ के पद के दायरे में आने के कारण विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली के इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराना होगा। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 66 विधायक थे। 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के पास 40 विधायक रहेंगे, जो कि सामान्य बहुमत से ज्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
देश के नए चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान हो गया है। ओम प्रकाश रावत देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ओम प्रकाश रावत मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति की जगह लेंगे। ओम प्रकाश रावत 23 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे। ओम प्रकाश रावत मध्य प्रदेश काडर के IAS ऑफिसर हैं। सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए राजौरी जिले के नौशेरा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में भारी गोलीबारी की है। गोलीबारी में पुंछ जिले में एक स्थानीय भारतीय नागरिक की मौत हो गई, वहीं एक नागरिक घायल हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार चौथे दिन सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। इस बीच पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुए सेना के एक जवान की शनिवार रात मौत हो गई। सीमा पर गुरुवार से लेकर अब तक मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। वहीं अफगान सुरक्षा बलों ने राजधानी काबुल स्थित 5 सितारा होटल में घुसे सभी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने का दावा किया है। होटल पर तालिबान के हमले में 14 विदेशी नागरिकों समेत 40 लोग मारे गए हैं। हमले के 17 घंटों से भी ज्यादा समय के बाद सुरक्षा बलों ने इस पर पूरी तरह से काबू पाया और सभी हमलावरों को मार गिराया। बंधक बनाए गए करीब 160 लोगों को छुड़ा लिया गया है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तालिबान ने ली है। तालिबान ने इस होटल को 2011 में निशाना बनाया था और भारत समेत दुनिया भर ने इस हमले की निंदा की है। बात खेलों की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट बुधवार से खेला जाएगा। टीम इंडिया ने रविवार को संकेत दिए हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अजिंक्य रहाणे की वापसी होगी, जबकि सीरीज के पहले 2 मैचों में उन्हें बाहर किए जाने पर सवाल उठाए गए थे। वॉन्डर्स पर हुए अभ्यास सत्र को अगर संकेत माना जाए तो रहाणे को बुधवार से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए अंतिम एकादश में चुने जाने की संभावना है। रहाणे ने कोहली और हार्दिक पांड्या के साथ बल्लेबाजी की, जिससे मध्यक्रम में उनके शामिल होने का संकेत लगता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपने अपने जोड़ीदारों के साथ भारतीय जोड़ियां क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुंच गई हैं। बोपन्ना एडवर्ड की जोड़ी का पेविक मराक की जोड़ी के बीच आज भिड़ंत होगी। वहीं दिविज राजीव की जोड़ी की मेलो कुबेट की जोड़ी से आज भिड़ंत होगी। वहीं सिंगल्स मुकाबलों में नडाल और वोज़नेकी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के आवास पर कल संक्रांति मिलन समारोह 2018 का आयोजन किया गया। इस समारोह में सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नामचीन हस्तियां इस समारोह में शामिल हुई। बांसुरी की धुन पर अपनी कला से लोगों को रोमांचित करते कलाकार, नृत्य से जनसमूह को मंत्रमुग्ध करते कलाकार, तस्वीरें दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन की हैं, जहां रविवार को संक्रांति मिलन समारोह 2018 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद देश की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से लोगों को रूबरू कराना था। समारोह के दौरान कलाकारों ने समा बांध दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन कलाकारों की कला से बेहद प्रभावित हुए। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुरानी परंपराओं में एक संस्कार होता है। भारत के उत्सव प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहते हैं और खास करके हमारी ग्रामीण संस्कृति
हमारे किसान का जीवन इसके साथ उसका परफेक्ट तालमेल होता है और उस पुरानी परंपराओं में एक प्रकार से संस्कार संक्रमण का भी कार्यक्रम होता है कि इन उत्सवों के माध्यम से एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को संस्कार संक्रमण की प्रक्रिया को सहज रूप से आगे बढ़ाती है। लोगों का अभिवादन करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये त्योहार देश भर में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला पर्व है। एम वेंकैया नायडू ने इन पर्वों पर देश में समृद्धि, शांति और प्रसन्नता का सूत्रपात होने की कामना की। So let us all salute the unsung heroes on this special occasion of the harvest festival Sankranti. Let us join in hands in praying tribute to the real heroes of the country, the Indian farmers, for their relentless effort, for sweat and toil. Kisans are the people who are giving us food. So we should really salute them and we should support agriculture because agriculture is our basic culture. This, my prayer on this day is, may these festivals usher in prosperity, tranquility and happiness in our country. समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और आज वसंत पंचमी है और ये दिन खास तौर से छात्रों के लिए विशेष महत्व रखता है और इस मौके पर माँ सरस्वती की आराधना की जाती है जिन्हें विद्या की देवी माना जाता है और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि ये शुभ अवसर हमारे समाज को खुश और ज्यादा सामंजस्यपूर्ण बनाए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे और हमें ज्ञान प्रदान करें। और अब आखिर में हेडलाइंस। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 48वीं बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना। कल अपने संबोधन में दुनिया के साथ भारत के संबंधों की रूपरेखा करेंगे साझा। रवाना होने से पहले संदेश में कहा, भारत की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने में लाभदायक साबित होंगी आपसी बैठकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की सारी नीतियों के केंद्र में है रोजगार को बढ़ावा देने की व्यवस्था। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, पिछले 3 साल में विकास की वजह से दुनिया का भारत के प्रति नजरिए में आया बड़ा बदलाव, रोजगार के बढ़े अवसर। आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य घोषित, चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई आज। अफगानिस्तान के काबुल में 17 घंटे बाद बंधक संकट खत्म, सुरक्षा बलों का सभी 6 आतंकियों को मार गिराने का दावा। 5 सितारा होटल पर आतंकी हमले में 14 विदेशियों समेत 40 लोगों की मौत, भारत समेत दुनिया भर में हमले की कड़ी निंदा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय खिलाड़ियों के अपने अपने जोड़ीदारों के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज। बोपन्ना एडवर्ड की जोड़ी का पैविक मराक की जोड़ी से मैच, दिविज राजीव की जोड़ी की मेलो कुबेट की जोड़ी से भिड़ंत, सिंगल्स मुकाबलों में नडाल और वोजनिया की क्वार्टर फाइनल में। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही, आगे आप देख सकते हैं सारा जहां। नमस्कार।